दिल ये आए बार बार, दिल ये गाए तुम जियो हजार। थर्ड जनरेशन वाला चाहिए, थर्ड जनरेशन ही है, प्रो है ना ये। हे पिंकी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट नो कौन सा व्लॉग है ये, क्योंकि अपन कंसिस्टेंट तो नहीं है। जब भी कोई मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो शूट करता हूँ, कोई अच्छा लगता है तो वीडियो एडिट करके डाल देता हूँ। नॉट अ प्रोफेशनल लाइक ऑल दी अदर व्लॉगर्स, फ्लाइंग बीस्ट या पता नहीं कौन कौन। एक्चुअली ना मैंने ज़्यादा व्लॉगर्स को देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ अपने एक दोस्त शिवम भाटिया शर से शिवम के व्लॉग्स देखे और तन्मय भट्ट के व्लॉग्स देखे और अपना चैनल खोल लिया। मैंने लगा यार अपन बकचोदी तो करते ही है, तो एक यूट्यूब चैनल ही बना लेते। सो आज है August 3rd, कल है अपना बर्थडे, सो दिस इज़ प्री बर्थडे। अब तुम डेट मत कैलकुलेट करना, क्योंकि टाइमलाइन और व्लॉग का टाइमलाइन और मेरा टाइमलाइन मैच नहीं करता है। सो आज August 3rd है, अभी जा रहा हूँ मैं सोनाली आभाष के यहाँ, और फिर वहाँ से हम जाएंगे फुटबॉल मैच देखने। सो यहाँ पे टीम आई है जो उनकी US की एक लीग चलती है ना, MLS आई थिंक, सो उसमें डेविड बेकम की भी एक टीम है, उसका मैच है यहाँ पे। सो वो मैच देखने जाएंगे अपन आज, और फिर शाम को थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। कल तो ऑफिस है साला, सुबह 6 बजे उठ के काम करना है, तो पार्टी वार्टी तो कर नहीं पाएंगे। सो मेरे पास ये लास्ट हफ्ता है एक्चुअली, अब शॉपिंग वॉपिंग और थोड़ा आसपास का घूमना बचा है, बाकी सब तो हो गया। मंडे को बना रहे अपने देश हिंदुस्तान, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इंडिया वापस आके। सो आपने देखा होगा यार, मैं मुँह भी मेरा 4-5 किलो का बढ़ गया है, शरीर भी बढ़ गया है, वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया है। मेरे को इंडिया पहुँचते अगला ट्रिप भी है मेरा प्लान, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में बाद में। बट अपने कपड़े तो भयंकर टाइट हो गए, सब कुछ टाइट हो गया, अब जाना है ट्रिप ख़त्म करके वापस अपने को वर्कआउट चालू करना है। फ्रॉम स्टीव, तेरी तरफ से क्या? यस। ओ माय गॉड, पापा पता है वो बॉय बहुत महंगे आते हैं। अरे यार कम ऑन। अरे यार रखू, मेरे को ये इससे मेरे को थर्ड जनरेशन वाला चाहिए। थर्ड जनरेशन ही है, प्रो है ना ये। हां, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये एयरपोर्ट है, ये खुलता कैसे? इसको ऐसे ऑन, इसको ऊपर ज्यादा काम करता है। इसको अभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं है। देखो कनेक्ट भी हो गए, बोलो हेलो। हेलो, अच्छी एकदम नया वाला है, एकदम ही नया। और ये पता है इसका कवर लेना पड़ेगा $20-25 का, क्योंकि ये टूट गया तो खराब हो जाएगा। कवर नहीं भिजवाया तूने? जो मेरे को इसे कवर भेजा था ना, इसके बाकी का कहाँ भिजवाया गया? इसके बाकी का जो एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स, एंड ये मेरी तरफ से। और यार ये मैंने अभी ऑर्डर किया। कैंसिल। ये क्या है? इट्स अ व्लॉगिंग किट। अच्छा, ये तो अपन आ गए हैं यहाँ पर मैच देखने। सैन होजे की टीम है होम, जो कि ब्लू में है, और डेविड बेकम की टीम पिंक में, हम पिंक को सपोर्ट कर रहे हैं। आप माहौल देखो, किक ऑफ होने वाला है, स्टार्ट मैच। हमारे जगह पहुंच गए, और ये देखो ये जो पिंक कलर में है, इसको अपन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका नाम है इंटर मायामी, ये डेविड बेकहम ने खरीदी हुई टीम है। इसमें हिग्वाइन है, इसको जानता हूँ मैं, बाकी किसी को नहीं जानता। और ब्लू है यहाँ की होम टीम, हमारे अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे यार शिट यार, कौन छूट गया यार व्लॉगिंग के चक्कर में। आवाज मिला है,
ये इन्होंने पहले भी ये करने की कोशिश करी थी, ये टैप और ये बंद करने की कोशिश करे और ये खुश हो गया है। तीन मिनट का स्टॉपेज टाइम लगता हुआ यहाँ पर, स्कोर अभी भी है 1-0। स्टेडियम में उत्साह बरकरार है। टाइम हुआ है, यहाँ का माहौल देखने आए हैं और कुछ खाने के लिए भी। हाफ टाइम में भी देखो कितनी भीड़ है, या लोगों को खाने पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ देखो अलग ही पार्टी चल रही है। ये इनको मैच वैच से कोई मतलब नहीं, इनको जीवन के मजे लेने। यूएस में और ये फॉरेन कंट्रीज में तो ये है कि लोग अपना टाइम बढ़िया चिल करते हैं। अब अपने यहाँ क्या होता है, अगर मैच देखना था तो सिर्फ मैच ही देखते हैं। यहाँ पे आए लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक टाइप से बना रहे हैं, सुबह चिल मार रहे हैं, चप्पल से खेल रहे हैं और ये पूरा स्टेडियम का व्यू देखो। पेपाल स्टेडियम है ये पूरा। अच्छा ठीक है, हम यही सब बोल रहे थे कि कितना इजी लगता है देखने में, और टीवी में देखना और रियल लाइफ में देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एकदम क्लियर है, मज़ा एलवन ट्रायंगल कोई दे ही नहीं रहा था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वही मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल क्या होता होगा यार, साउथ में क्या मज़ा आता, स्पेशली जब वो कम बैक वाले मैचेस होते हैं। ये पास वाला व्यू है, अभी भी हाफ टाइम ही चल रहा है। भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक सेव करा गया है यहाँ पर। अब मार दे ये हिकवाइन, इतने मोटे कर रहा है यार, इतने मोटे कर रहा है साला। अच्छा वो भगा दिया इस बार, बहुत ही मोटे कर रहा है। अभी मैं दिखा दूँ स्क्रीन पर आएगा तो बच्चे डर गए मैंने चिल्ला। गाइस तू किसको सपोर्ट कर रहा है ये बताओ, इंटर मायामी ये फुटबॉल को सपोर्ट कर रहा है, चाहे जहाँ गोल पड़ रहे वहाँ हाथ उठा। सेवन मिनट है हमारे पास। यहाँ पर मैच खत्म हो गया है 1-0, जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गई, बट हमें बिल्कुल खुशी नहीं है क्योंकि हम अंडरडॉग को एंड में सपोर्ट करने लगे थे, सो मैंने इसको पहन लिया है। बट कैसा बाय बोलने का वक्त आ गया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आखिरी बार देख लेता हूँ मैं इतना अच्छा ग्राउंड, फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे ये चीज़ मेरे को समझ आ गई है कि मेरा जो ड्रीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखना, वो मैं उस ड्रीम को अचीव करने के लिए मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर ये मैच इतना मज़ेदार था तो वो तो कितना ही मज़ेदार होगा। बाय पेपल पार्क, यू आर अ गुड होस्ट, टाटा कर दो। तो मैच खत्म, अब जा रहे हैं अपने घर। काफ़ी अच्छा टाइम था क्योंकि बेसिकली आज क्या है वेंसडे ना आज, बट वेंसडे को भी काफ़ी अच्छा माहौल था, तो वीकेंड पे तो और अच्छा होगा। बट अभी जा रहे हैं हम सोनाली के घर, और वहाँ से एक और प्लान है वहाँ पे जाने का। तो इन्होंने एक सरप्राइज रखा था मेरे लिए, केक वेक लाए थे, बट मैंने फ्रिज खोल के देख लिया तो वो सरप्राइज शुरू हुई होगा। तो अपन केक लेके केक काटने जाएंगे ट्विन पीक्स, मैं दिखाता हूँ आपको ट्विन पीक्स। टाटा। दिल ये आए बार बार, दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे सुनीता, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो 12 बज गई है, बर्थडे बन रहा है कार में, क्योंकि हम टिन पीक्स आए और यहाँ पे काफी फॉग हो गया और टाइम पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से कुछ नहीं दिख और यहाँ से धुआं ही धुआं दिख रहा है। वैसे ट्विन पीक्स थे तो मेरे को लग रहा था ट्विन पीक दिखना चाहिए था, राइट? कुछ बट क्योंकि हमारी किस्मत है पांडु, और बाप रे देख लो भाई, ये तो नहीं पीक, ये देखो बाप रे जोर सही में बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कुछ। तो ना यहाँ पे देखो केक बन रहा है, एकदम बेहतरीन बन रहा है, मतलब केक लेके आए ये लोग, बस केक उड़ ना जाए। और यहाँ पे अपन केक काटेंगे, ले भाई ये ले, बस देखना Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jeffin, happy birthday to you, God bless you, may the God bless you, happy birthday to Jeffin, happy birthday to थैंक यू सो मच आप लोग का, आप लोग ने भी मेरा बर्थडे साथ में बना लिया, गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों का, मतलब आप लोग का मतलब सोनाली इष्टा और आवाज का मेरा बर्थडे बनाने के स्पेशल। पिछला बर्थडे गोवा में बना था, ये बर्थडे सैन फ्रांसिस्को में, तरक्की देख रहे हो तुम, अगला अपन बनाएंगे चांद पे। चलो अब ना बहुत हो गया, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, अब चलो अंदर। एक समोसा होता तो इसके समझ आ जाता। हाँ यार, तो होपफुली आपको मजा आया मेरा प्री बर्थडे व्लॉग देख के, मेरे नए एयरपोर्ट्स देख के और मैच देख के। आई नो मैं रैंडमली कहीं भी एंड करता था, प्रॉपर एंडिंग में अपने वीडियो में रख नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट डे आके मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट गुड, बट मैं ट्राई करूँगा। एक्चुअली मेरे को पता नहीं होता ना कि वीडियो कहाँ ख़त्म होगी, मैं नेक्स्ट में क्या डालूंगा नहीं डालूंगा, इसलिए ये सब चीज़ हो रही। होपफुली यह सब नहीं होगा और मैं तुमको एक प्रॉपर एंडिंग दे पाऊँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और झेल पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जितना हो सके कर सकते हो कर दो। और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ मैं अपना बर्थडे बना रहा हूँ और ये इसका ट्रिप खत्म होने वाला है, मैं आने वाला हूँ इंडिया। चलो टाटा।